और कोई साथी यहाँ जो ऐसा हो जो अपने भाई बहन आंदोलन में जेल में रहे हो, जिन पर मुकदमे हो? हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश भीम आर्मी के अध्यक्ष सुमित सम्राट जी। सर, न्यूज़ भंडार में आपका स्वागत है। जैसे कि वर्तमान में जो देश की व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है, भारतीय संविधान को भी, भारतीय आत्मा को, भारतीय भारत की जो व्यवस्था को कायम रखने वाली किताब है उसको भी जला दिया गया है, तो क्या मंशा है इसमें सरकार की? देखो, वो चंद लोग नहीं है भारत के संविधान को जलाने वाले, सरकार की सहती भारत को, भारत के संविधान को जलाने के लिए। हम भीम आर्मी के लोग आज जो हमने बहुजन संकल्प महासभा रखी है उसके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं, आप भारत के संविधान को हाथ मत लगाओ। ये भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। इस संविधान से करोड़ों लोगों को अधिकार मिलते हैं, इस संविधान से मान सम्मान स्वाभिमान मिलता है। अगर संविधान को छेड़ोगे तो बहुजन समाज के नौजवान, भीम आर्मी के नौजवान और हर उस दल के इंसान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर विश्वास करता है वो सड़कों पर आएगा, आपसे सवाल पूछेगा, आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे सवाल पूछेगा कि आप भारत के संविधान को हाथ मत लगाओ। अगर भारत के संविधान को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। सर, आप पैसे से वकील हैं, तो जिन लोगों ने संविधान जलाया है उन लोगों पर किस तरह की धाराएं होनी चाहिए? देखो, उन पर हमने FIR कराई है, हम उसमें विटनेस हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने कंप्लेंट दी थी, उन पर FIR लग चुकी है। FIR नंबर है 75/2018, उसमें कुछ सेक्शन लगी हुई है, 153A, 155 लगी हुई है और SC/ST एक्ट Section 3 सब Section U लगा हुआ है उसमें। और जो भारत के संविधान को जलाया उसमें लगा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ द इंशल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर्स जो हमारे हैं, जैसे भारत का संविधान है, भारत का झंडा है, उसको कोई जलाएगा तो Section 2 लगती है, वो लगे हुए हैं। एक अपराधी को जेल भेज दिया गया और सारे अपराधी दुम दबाकर भागे हुए हैं, डरे हुए हैं। रासुका से क्यों बचे हुए लोग अभी तक? रासुका जो है वो सरकार का अपना एक ऐसा कानून है जो सरकार लगाती है। अब सरकार उनकी है, गवर्नमेंट उनकी है, अधिकारी उनके हैं, लोग उनके हैं, जलाने वाले उनके हैं, तो लोग सब वो बैठे हुए हैं। अब बहुजन समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है कि अपनी सरकार बनानी है। और इस 2019 में ये जो मनुवादी सरकार है, जो मोदी सरकार है, योगी सरकार है, ढोंगी सरकार है, इसको उखाड़ कर जड़ से फेंकना है। जब भी बात बन पाएगी, जब भी अत्याचार कम हो पाएंगे, जब भी मॉब लंचिंग कम हो पाएगी, जब भी गाय के नाम पर लोगों को मारा नहीं जाएगा, जब भी हमारा जो भाई है रोहित बमला उसकी हत्या नहीं होगी, चंद्रशेखर जैसे भाई जेलों में नहीं होंगे, उपकार भाभरा जैसे भाई लोग जेलों में नहीं होंगे, ये सरकार जब तक नहीं जाएगी अत्याचार होते रहेंगे। तो इसलिए इस सरकार को 2019 में जाना होगा। 2 अप्रैल भारत बंद में अभी बहुत सारे युवा जेल में हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, उनकी रिहाई के लिए क्या भीम आर्मी क्या प्रयास कर रही है? मोस्ट ऑफ जो लोग थे वो गए थे, वो सब वापस आ चुके हैं, उनकी बेल हो चुकी है। कुछ लोग हैं उनकी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट साथी लगे हुए हैं, कार्रवाई चल रही है। अगर यहाँ से सेशन से होगी सेशन से बेल होगी, हाईकोर्ट से होगी तो हाईकोर्ट से कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, राष्ट्रपति के जाएंगे, उन लोगों को सबको बाहर निकाला जाएगा। ये भीम आर्मी का वादा है कि सरकार जब जब भी बहुजनों पर अत्याचार करेगी, बहुजन समाज पार्टी तो अपना काम कर ही नहीं कर रही है, मगर भीम आर्मी समाज का काम करती रहेगी, समाज का आंदोलन करती रहेगी, क्योंकि वो समाज के सैनिक है, ये मेरा वादा है। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के भीम आर्मी के प्रभारी सुजीत सम्राट जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। भारत की व्यवस्था है उसको एक बदलने का संकल्प यहाँ पर युवा को दिलाया गया। मैं अशोक सम्राट, न्यूज ऑफ इंडिया से, मेरे साथ वरिष्ठ कैमरामैन सत्यप्रकाश जी हैं। जय भीम, जय भारत। 16 तारीख को ये पार्लियामेंट थाने पे दोबारा मेंशन, उसको SC एक्ट को मेंशन कराने के लिए दोबारा आए, वहाँ पर पुलिस ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। आपने देखा होगा यूट्यूब चैनलों पे, सभी पर पड़ी हुई है वीडियो, कोई छुपा नहीं है। उन्होंने बार बार यही कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमने बार बार उनको वीडियो दिखाई, बार बार ये यही कहते रहे कि नहीं सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे। हमने कहा, हमने आपको वीडियो CD बनाकर भी भेज दी, आपको हम सुना रहे हैं मोबाइल के अंदर, तो आप सुनिए ध्यान से। तो अभी तक तो उन्होंने SC एक्ट लगाया नहीं था, लेकिन सुनने में आया कि उन्होंने कल SC एक्ट लगाया है, और जिसके कल हम वहां पर जाएंगे थाने में और पता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहां पर लाखों की संख्या में जितने पुरुष यहां पर उपस्थित थे, उतनी महिला यहां पर उपस्थित है, और 2000